बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राजस्थान की शेष सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा की जाएगी और सीईसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। बैठक में राजस्थान की शेष 76 सीटों पर मंथन होगा। कांग्रेस की चौथी और पांचवी सूची आ चुकी है, ऐसे में अब कमेटी में मंथन के बाद आज ही इस पर मुहर लगेगी और देर रात तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पूर्व पिछले 3 दिन बैठकों का दौर चल रहा है। मंगलवार को प्रहलाद जोशी और उसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। अब फाइनल आज होगा और राजस्थान की सीटों पर शेष उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज शाम में बीजेपी सीईसी की बैठक होने वाली है, वहीं बची हुई जो सीट है उस पर भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, कौन कौन से बड़े नाम शामिल होने की संभावना सामने आ रही है? देखिए, अभी मंथन जारी है, नाम कौन कौन से होंगे ये तो लिस्ट के जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन मंथन करीब 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार जारी है। पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद अगर हम मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को प्रहलाद जोशी प्रदेश प्रभारी हैं, उनके यहाँ पर मंथन हुआ। उसके बाद कल जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें अमित शाह ने भी हिस्सा लिया था। और माना जा रहा है कि एक ही सूची जो है उसके अंदर सारे नामों पर कवायद हो रही है और आज सीईसी की बैठक के बाद 76 नाम जो बाकी हैं उनके ऊपर जो है वो मुहर लग जाएगी। फातिमा, चलिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम में भाजपा सीईसी की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी के शीर्ष उम्मीदवारों के नामों की आज घोषणा होने की संभावना है।